देखिए मैं करा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। और पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। दो पॉइंट्स हैं A और B, इनको कोई एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, सच दैट किस रेशियो में AP अपॉन AB 1:3 दिया है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि फिर वो पॉइंट P जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो बताइए K की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। सपोज ये A है और ये B है और ये पॉइंट P है। A कितना है 2.1, B कितना है 5.-8। P पॉइंट क्या मान लेंगे, X कॉमा Y। ठीक है, हमें दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलिए मीनाक्षी, हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, एम एस टू एन कितना दे रखा है, 1:3। वर्षा हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, मैं आपसे पूछा नहीं, अभी रुक जाइए, जिनसे पूछा है सॉरी 3:1। पीछे अनुष्का हाथ नीचे कर लो, अनुष्का 1:2, ओशियन 1:3, अक्षिता 1:3, नेहुल, अमन 1:3, आदित्य 1:2 सही है। जो आप उठा रहे हैं मुझे उनसे पूछना नहीं है तो उठाएगा क्यों, मुझे पता उन्हें आता है। 1:2 बिल्कुल सही है, और जिनसे मैंने नहीं पूछा मुझे वो भी पता था कि नहीं भी आता है। भाई कल भी मैंने एक चीज समझाई है आपको कि आपको रेशियो जो एम टू एन है वो कितना चाहिए, एपी टू पीबी। अमन चलो कल आप तो खैर थे नहीं, हमको जो अमन रेशियो चाहिए वो एपी टू पीबी चाहिए, और हमको दे कितना रखा है यहाँ पे, एपी अपॉन एबी 1/3। यहां से ये पता चलता है कि AP 1 है और AB पूरा कितना है, AB पूरा 3 है, तो PB कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। क्यों उल्टा सीधा आंसर दे रहे हो भाई, समझ अच्छा कल समझ में नहीं आया था, कल आप आई थी हमने आपसे, रेशियो क्या हो जाएगा तो 1:2। इतनी बात सबको समझ में आ गई। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेट द पॉइंट, भाई पॉइंट को कुछ मानना पड़ेगा ना, पी एक्स कॉमा y, ये वाला जो पॉइंट है उसको हमने पी एक्स कॉमा y मान लिया। भैया क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, P पॉइंट पहले फाइंड आउट तो कर लें। राहुल फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन एम वाई टू प्लस एन अपॉन एम प्लस एन। बहुत बढ़िया, हाँ भैया m की जगह कितना है 1, एक्स टू देखे एन कितना है, एक्स वन कितना है 1+2, एम कितना है 1, वाई टू देखिए एन कितना है, वाई वन कितना है 1+2। सर डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं इसे, 5 और 2 2s are 4, 4 और 5 9 9 upon 3 कट के पूरा 3, -8 और +2 -6, -6 upon 3 2, लेकिन कैसा -2। सुनिएगा ये तो सिर्फ वो पॉइंट P आया है जो इस लाइन पे पड़ा हुआ है, बट हमें पॉइंट P फाइंड नहीं करना, हमें तो K फाइंड करना है। आपसे वो आगे बोल रहा है कि ये पॉइंट P जो है वो इस लाइन पर लाए कर रहा है। नीरज लाए करने का मतलब क्या है, कि वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, जो x और y के ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस x और y के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेंगे। सो वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए, आगे की लैंग्वेज के साथ मैं आपको पूरा लिखाऊंगा कैसे लिखना है। सक्षम नोट हो गया, -8 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, आंसर मेरा ही हां, सबका ही आएगा। नहीं सर पहले कर लिया, इसने क्या बोला,
अपनी लेवल पर है। निकालनी अच्छी बात है लेकिन मैं लिखाऊंगा तो है ना। इधर देखिए सिंस अपनी लैंग्वेज द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन द लाइन देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई द लाइन। क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हम लोग x की जगह यहां 3 पुट कर देंगे और y की जगह -2 पुट कर देंगे वो भी ब्रैकेट में जी। तो राहुल 3 2 6 माइनस माइनस प्लस का 2 और 8 हो गया प्लस का, उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 8। ये लीजिए ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब आप आराम से नोट कर लीजिए, पूरा खत्म हो गया आपका।